एक मालियन महिला ने मंगलवार को 9 बच्चों को जन्म दिया और यह डॉक्टरों के अनुमान से 2 अधिक निकला। 25 साल की हलीमा सिसे की गर्भावस्था ने पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्र को मोहित किया है और अपने नेताओं का ध्यान आकर्षित कर दिया है। जब मार्च में डॉक्टरों ने कहा कि सिसे को विशेषज्ञ देखभाल की आवश्यकता है तो अधिकारी उसे मोरक्को ले गए जहां उसने 9 बच्चों को एक साथ में जन्म दिया। माली के स्वास्थ्य मंत्री फांटी सीबी ने एक बयान में कहा, नवजात शिशु 5 लड़कियां और 4 लड़के और मां सभी सुरक्षित हैं। मोरक्को और माली में किए गए अल्ट्रासाउंड के अनुसार 7 बच्चों में से 2 बच्चों को जन्म देने की उम्मीद थी। सभी को सिजेरियन सेक्शन द्वारा वितरित किया गया था। दोनों प्लेट्स की कंडीशन बहुत ही कम देखने को मिलती है। इस तरह के कई जन्मों में चिकित्सा जटिलताओं का अक्सर अर्थ होता है कि कुछ बच्चे पूर्ण अवधि तक नहीं पहुंचते हैं। कैसाब्लांका क्लिनिक के निदेशक यूसुफ अलोई ने मोरक्को के मीडिया को बताया कि उन्हें 1.5 महीने पहले मामले के बारे में मालियन डॉक्टरों से संपर्क किया गया था। वे 9 बच्चों की उम्मीद नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किस्से ने 30 सप्ताह के समय से पहले जन्म दिया और अब भारी रक्तस्राव के बाद स्थिर स्थिति में है, जिसके लिए उसे रक्त आधान दिया गया था। उन्होंने कहा, क्लिनिक के निदेशक ने कहा कि सिजेरियन का आदेश था। बच्चों का वजन 500 ग्राम और 1 किलोग्राम के बीच का है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने बुधवार को एक ईमेल में कहा कि एक बार में सबसे अधिक जीवित जन्मों के लिए इसका वर्तमान रिकॉर्ड 8 है और यह मोरक्को के इस जन्म केस की पुष्टि कर रहा है। गिनीज रिकॉर्ड के वर्तमान धारक अमेरिकी नादा सुलेमान हैं, जिन्होंने 2009 में 8 साल पहले लेकिन स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए।